सरकार ने नागरिकता बिल लागू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में इस बिल का विरोध हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में बिल के समर्थन में रैलियां प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। नीमच में सोमवार को राष्ट्रीय मंच के बैनर तले अग्रोहा भवन पर बड़ी संख्या में इस बिल के समर्थन में लोग एकत्रित हुए। सभी ने एक ही स्वर में कहा, यह बिल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नागरिकता रद्द करने के लिए नहीं बल्कि भारत की नागरिकता देने के लिए यह बिल आया है। राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में जनसमूह को एकत्रित किया गया, जो कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहा है कि भाई आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये भारत देश किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए इस कानून को पारित किया जा रहा है, जो कि अज्ञातवश लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इस जन समुदाय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप इस जन ये नागरिकता बिल को पूरी तरह समझें। अज्ञानता में उसको किसी के बहकावे में आकर रैलियाँ करना, तोड़फोड़ करना, जनहानि करना ये उचित नहीं है। इसके विरोध में हम हैं और नागरिकता बिल देने के लिए है, लेने के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ और मुस्लिम समुदाय को भी कहना चाहती हूँ कि वे इस चीज़ को समझें। हम जो भारत के नागरिक हैं उनसे कभी भारत धर्म पिछते हैं, वहाँ कभी किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। नागरिकता देने के लिए ही इस कानून को बनाया जा रहा है, तो हमें सहर्ष इसे स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी मुस्लिम वर्ग से जनमानस जो भड़का रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपनी राजनीति के लिए ऐसे लोगों को भ्रमित ना। क्या नाम है आपका? संगीता जावली, उपभोक्ता फोरम सदस्य।